हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। की शुरुआत में दो पायलटों के कारण बड़ा हंगामा हो गया। लंदन से मुंबई आ रहे जेट एयरवेज के पायलट आसमान में भिड़ गए। यह दोनों पति पत्नी हैं जिनके बीच किसी बात को लेकर कॉकपिट में ही झगड़ा हो गया। यह घटना उस समय हुई जब जेट एयरवेज की फ्लाइट नॉर्थ ब्लू 119 लंदन से उड़ान भरने के बाद मुंबई आ रही थी। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई जिसके बाद पायलट पत्नी कॉकपिट से बाहर आ गई। इससे हड़कंप मच गया। हालांकि चालक दल के वरिष्ठ सदस्यों के समझाने के बाद वे वापस चली गई। यह घटना 1 जनवरी की बताई जा रही है। जब विमान मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा तो इस घटना की जानकारी जेट अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद दोनों को फौरन काम से हटा दिया गया। विमान में चालक दल सहित कुल 324 लोग सवार थे। जेट एयरवेज ने बताया कि फ्लाइट के पायलट और सह पायलट के बीच गलतफहमी की वजह से विवाद हुआ था, हालांकि इसको जल्द ही सुलझा लिया गया। मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने तक दोनों के काम करने पर रोक लगा दी गई है। विमानन कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जेट एयरवेज के लिए यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा सबसे अहम है।